अस्सलाम वालेकुम, सी डी पी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको करने से पहले बहुत ज़्यादा वर्किंग की जाती है या की जानी चाहिए और करनी भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि मतलब आपकी जो हार्डली अर्न फंड्स हैं, जो आपकी इनकम है, जिसको आप किसी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में, वो डी एच ए है, वो बैरिया है, वो इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट्स हैं, आप अगर वहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो चीज़ माइंड में रखनी चाहिए दैट इज़ सिक्योरिटी ऑफ योर फंड्स। अगर आपके फंड सिक्योर हैं और दूसरी चीज़ जो आपको इंश्योर कर रही हो, देखिए 100% फोरकास्टिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती कि कोई आपको 100% बता सके कि ये चीज़ प्रॉफिटेबल है या इसमें लॉस हो सकता है। और यही वजह है कि एक्सपेक्टेशंस की बेस पर, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर और अपनी फोरकास्टिंग की बेस पर आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो अगर आपका एक्सपीरियंस आपको सही चीज़ गाइड कर रहा है, आपकी कंसल्टेंसी सही लोगों के साथ है और आपकी टाइमिंग जो है इन्वेस्ट करने की वो बेहतरीन है, तो आपको उसमें मैक्सिमम बेनिफिट हो जाता है। और अगर इन 3-4 चीज़ों में से कहीं पर कोई कमी रह जाती है आपकी वर्किंग में, तो खुदा ना खास्ता आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक भी हो सकती है या इन सम केसेस वो रिवर्स भी हो सकती है। आज हम जो बात करेंगे, आज हम बैरिया ऑर्चर्ड की बात करेंगे। हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स इस हवाले से कंसर्न रहते हैं कि जो बैरिया ऑर्चर्ड है इसके 4 फेजेस हैं। अगर इनमें से बेस्ट फेज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ हमने देखना हो, सिर्फ एक फेज़, क्योंकि जब हम चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते हैं तो विदाउट विजिटिंग द एरिया आपकी एक राय बन जाती है, एक ओपिनियन बन जाती है और फिर आप उसको डबल ट्रिपल चेक कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। एक क्वेश्चन जो क्लाइंट करते हैं वो ये करते हैं कि बैरिया ऑर्चर्ड के 4 फेजेस हैं, 4 फेजेस में से इस करंट सिनेरियो में बेस्ट फेज कौन सा है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। और आज इस हवाले से आपको गाइड करेंगे कि अगर सिर्फ एक फेज़ की बात करनी हो तो वो कौन सा फेज़ है। फेज़ सभी सिक्योर हैं, सभी रीजनेबल है, सब कुछ है, लेकिन एक पोटेंशियल एक चीज़ होता है, कम वक्त में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की एक जो है वो एक्सपेक्टेशन की जाती है, एक ख्वाहिश की जाती है कि हम अगर कोई चीज़ बाय कर रहे हैं तो उसमें कम वक्त में अच्छा प्रॉफिट हो जाए विद सिक्योरिटी ऑफ फंड्स। तो इस हवाले से हम आपको आज गाइड करेंगे कि कौन सा फेज़ बेहतरीन है। और जब हम इसका आंसर करते हैं अपने क्लाइंट्स को, मैं आपको बता देता हूं, हमारी रिकमेंडेशन में 4 फेजेस में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड प्रॉफिटेबल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जिसमें विद इन 2 to 3 years, अराउंड 3 years आप कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, दैट इज़ बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4। और फेज़ 4 के बारे में जब हम क्लाइंट्स को बताते हैं कि ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है कि क्या मार्केट तो क्रैश नहीं हो जाएगी, क्या मार्केट इसके नीचे तो नहीं आ जाएगी। और वो क्लाइंट्स जिन्होंने बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के 10 मरला के प्लॉट्स 33-35 में, जो लास्ट के मतलब थोड़ी बैड लोकेशन वाले प्लॉट्स हैं, थोड़ी आखिर की लोकेशन है, वो वाले प्लॉट्स ट्रेड किए हुए हैं और अब वो देखते हैं कि यार वो 50-55-60 तक जा रहे हैं, तो उसमें वो एक क्वेश्चन ये भी करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट आप क्यों बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं कि पहले मतलब ये प्लॉट 35 में थे, अभी ये 55 पे या 50 पे आ गए हैं, तो क्या गारंटी है ये 50-55 पे रहेंगे, दोबारा 35-40 पर नहीं आएंगे। तो इसका आंसर करना भी ज़रूरी होता है। ये दो चीज़ें ओवरऑल आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं रिपीट करूँगा वही चीज़ जो मैंने स्टार्ट में कही कि हमारी तरफ से टॉप मोस्ट रिकमेंडेड फेज ऑलमोस्ट 80-90% जिसमें प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, अगर आप उसको उसका गिवन टाइम देते हैं, अगर आप उसको 2.5 से 3 साल का अर्सा देते हैं, तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बिल्कुल प्रॉफिट वाली है, जो अच्छे प्रॉफिट वाली इन्वेस्टमेंट है, जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें सिक्योरिटी है और जो एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट है। क्यों रीजनेबल है? सिक्योरिटी इन अ सेंस कि आपके प्लॉट्स डिवेलप्ड है, आपके प्लॉट्स ऑन ग्राउंड है। अगर यहाँ पर आप 10 मरला या 1 कनाल की कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो आप एक रेडी प्लॉट, रेडी ऑप्शन ले रहे हैं जो आपके सामने है। वेदर आप इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहें या यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहें, कंस्ट्रक्शन क्योंकि आप नहीं करेंगे अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, लेकिन आपको इतनी सिक्योरिटी है कि जो ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स के इश्यूज आ जाते हैं, बाज़ों का लोकेशन चेंज हो जाती हैं, बाज़ों का डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा डिले हो जाता है कि आपका प्लॉट फिजिकली मौजूद नहीं होता, तो एक तो ये सिक्योरिटी है कि आप जो चीज़ बाय कर रहे हैं, जो प्लॉट बाय कर रहे हैं, वेदर 10 मरला और 1 कैनाल और इवन 5 मरला, ये 3 ऑप्शन जो प्लॉट्स की यहाँ पर अवेलेबल है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप बाय करते हैं तो आप डिवेलप्ड ऑप्शन बाय करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इसका पोटेंशियल, मतलब क्या गारंटी है, हमारे क्लाइंट्स कहते हैं कि ये रेट्स दोबारा रिवर्स नहीं होंगे। देखें 100% गारंटी मैं भी आपको नहीं दे सकता, बैरिया भी आपको नहीं दे सकता, लेकिन ऑन दी अगर गारंटीड हो, हर चीज़ गारंटीड हो, 100% हो, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट कैसी और उसमें रिस्क और रिटर्न कैसा, और रिस्क तो रहेगा नहीं, रिटर्न नहीं 100% मतलब उसमें नज़र आ रहा होगा, और उसमें वो फिर इन्वेस्टमेंट वाली या वो जो एक सरप्राइजिंग फीलिंग होती है कि चीज़ें कितना ऊपर चली जाती हैं, लेवल पे रहती हैं या बिलो दी प्राइस आ जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती है। और यही वजह है कि टाइमली डिसीजन लेने वाले जो लोग हैं, जिनको चीज़ समझ आ रही होती है, जिनको लॉजिकली जो बातें मैंने कही, मैं लॉजिकली उनको प्रूव करने की कोशिश करूँगा आज की वीडियो में। मैंने कहा कि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बैरिया ऑर्चर्ड के 4 फेजेस में आप देख लें,
इतने बड़े लेवल पे 4 से 5 शॉपिंग मॉल मेन एंट्रेंस पे, मेन फ्रंट पे, मतलब अच्छे खासे 10-10 मंजिला या इवन उससे ज़्यादा मंजिलों वाले मॉल भी पाइपलाइन में है जो आपको मेन फ्रंट पे मिलेंगे। तो इस तरह की ऑप्शंस आपको किसी मेन गेट पे नहीं मिलती। गेट नंबर 1 पे कुछ ऑप्शन ज़रूर मिलती है ब्रॉडवे हाइट्स की, लेकिन उसमें भी स्टिल अभी टाइम है। ये जो एक वर्सेटाइल किस्म की फीलिंग है कि आप मेन एंट्रेंस से एंटर हो रहे हैं और लेफ्ट राइट में टोटल में आज तक के मुताबिक 5 मॉल्स और आने वाले टाइम में 2 से 3 मॉल्स मजीद इसमें एडअप हो सकते हैं। तो ये जो जिनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। क्या गारंटी है रेट्स रिवर्स नहीं होंगे? जब किसी एरिया में रेट्स रिवर्स होते हैं तो उनका डायरेक्ट ताल्लुक वहाँ की डिवेलपमेंट से, वहाँ की अट्रैक्शंस के साथ होता है। एक बैड एक्सपीरियंस रहा बैरी ऑर्चर्ड फेज 4 के हवाले से। बैरी ऑर्चर्ड फेज 4 में अच्छी बड़ी अट्रैक्शंस अराउंड 100 कैनाल्स की दी गई थी। वो रोज़ गार्डन भी था, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी था, वो सऊदी जर्मन हॉस्पिटल भी था और नाइट सफारी पार्क भी था। और जब ये अट्रैक्शंस दी गई सिर्फ मैप की हद तक ये मौजूद थी तो स्टार्ट में ही हमें और नज़र आना शुरू हो गया। जो लोग 2016-17 में इसका स्टार्ट जानते हैं 10 मरला 1 कनाल के प्लॉट्स का, उनको पता है कि 1 कनाल के प्लॉट सिर्फ मैप की लॉन्चिंग के साथ ही तकरीबन 25 से 26 लाख प्रॉफिट पे चले गए थे। उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई कुछ बैड डिसीजंस लिए गए जिनकी वजह से इनको ख़त्म किया गया, इन अट्रैक्शंस को ख़त्म किया गया, निकाला गया। वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, सऊदी जर्मन हॉस्पिटल हो, रोज़ गार्डन के 2 पार्ट्स किए गए और इसके अलावा भी सफारी होम्स की डील दी गई नाइट सफारी पार्क की जगह पे। तो ये क्योंकि डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, अट्रैक्शंस एक फ़ेज़ में से ख़त्म हो रही हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, इस वजह से रेट्स भी नीचे आए, मार्केट कुछ ओवरऑल भी स्लो थी। जिन लोगों ने 51 लाख में बुकिंग्स बाय की हुई थी वो 35-40 मतलब कि अराउंड 10-15 लाख लॉस में वो सेल कर रहे थे। दूसरे एंड पे अगर हम देखें कि अब ये जो मौजूदा टाइम है ये बहुत ज़बरदस्त टाइम है, आपको जो भी रेट्स मिल रहे हैं आपको डेफिनेटली 51 लाख से ऊपर की प्राइस मिल रही है अच्छे प्लॉट्स पे, तकरीबन 50 लाख से लेके 90 लाख के इन बिटवीन आपको 10 मरला के प्लॉट्स मिल रहे हैं। इसी तरह 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1.25 करोड़ तक आपको 1 कनाल के प्लॉट्स मिल रहे हैं। मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक ये स्टिल अच्छी प्राइसेज हैं, इनके रिवर्स होने के बहुत कम चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस, लेकिन इनके ऊपर जाने के, इनके मजीद इंक्रीज होने के डेफिनेटली चांसेस हैं। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर जो मॉल्स बन रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, दे आर ऑल अट्रैक्शंस, ठीक है, और अट्रैक्शंस भी सारी मेन गेट पे, मेन एंट्रेंस पे। जिसने सोसाइटी को नहीं भी विजिट करना, जो किसी और सोसाइटी का जेन बना के आया और सिर्फ फेस 4 के सामने से गुजरा है, वो एक बार देखेगा ज़रूर कि एक जॉइंट साइज के डिफरेंट मॉल्स, डिफरेंट डिवेलपर्स पॉजिटिव कॉम्पिटिशन, ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन, एक दूसरे से पहले उसको कंस्ट्रक्ट कर देने का कॉम्पिटिशन, एक दूसरे से ज़्यादा बेहतर फ्रंट एलिवेशन बनाने का कॉम्पिटिशन, उसके बाद बन जाने के बाद उन मॉल्स को अच्छे से अच्छे तरीके से मेंटेन रखने का कॉम्पिटिशन, और इन प्रोजेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करके मतलब शो करना कि हम आगे भी प्रोजेक्ट्स जो देंगे उनमें लोगों का इंटरेस्ट रहे। तो इस तरह का पॉजिटिव कॉम्पिटिशन इन द एंड 100% चांसेस हैं कि अफेक्ट करने जा रहा है वहाँ की लोकेलिटी को, वहाँ के 5 मरला 10 मरला 1 कनाल के प्लॉट्स को, क्योंकि लोग रिहाइश के लिए ऐसी जगह को बहुत पसंद करते हैं जहाँ पे उनको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और शॉपिंग मॉल्स में आपको तमाम तर ब्रांड शॉप्स मिलेंगी, तमाम तर टेक्नोलॉजी रिलेटेड आइटम्स मिलेंगी, कॉस्मेटिक्स का आपको सामान मिलेगा, मस्जिदें विद इन दी मॉल भी मिलेंगी, सोसाइटी में भी मिलती हैं। इसके अलावा आपको रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह, बच्चों के लिए प्ले एरिया और डिफरेंट ऑप्शंस, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि यहाँ सराउंडिंग में रहने वाले को सोचना पड़ेगा मुझे बैरी ऑर्चर्ड फेज 4 से बाहर भी जाने की ज़रूरत है। तो डिफरेंट मॉल्स, डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट अट्रैक्शंस, जब इस तरह की ऑप्शंस आपको मिल रही होंगी तो ये एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत आइडियल इन्वेस्टमेंट है और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चांसेस हैं कि 10 मरला और 1 कनाल के रेट्स इंक्रीज होंगे। आप 2 से 3 साल इनको दें, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट्स में की हुई इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। और लॉजिकली यही चीज़ समझ में आती है कि ये तमाम अट्रैक्शंस हैं, जब अट्रैक्शंस ऐड होती हैं तो बायर्स का रुझान ज़्यादा होता है, बायर्स ज़्यादा होते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है और सेलर कम होते हैं, तो रेट्स बिल्कुल ऊपर जाते हैं। और दिस इज़ द राइट टाइम, विदाउट कंसिडरिंग, उस चीज़ को छोड़ दें कि अब हम 55 लाख या 60 लाख का प्लॉट क्यों खरीदें, एक टाइम पर यह प्लॉट 45 का मिल रहा था तो हम 10-12-15 लाख ज़्यादा क्यों लगाएं, क्योंकि इस वक्त का रेट ये है और ये रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है इससे भी ऊपर जाएगा और मज़ीद बेहतर होगा। मार्केट क्रैश होने के या इस तरह के कोई किसी किस्म के चांसेस नहीं है क्योंकि अट्रैक्शंस में फेज 4 में कंटिन्यूस इजाफा हो रहा है। मेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन है अपने सेलर्स के लिए कि अगर आपके बैरी ऑर्चर्ड फेज 4 में प्लॉट्स हैं और आपने कोई 3-4 साल अर्सा
उसको होल्ड किया है तो मज़ीद इसको होल्ड करें, मज़ीद 2 से 3 साल इसको होल्ड करें, आपकी 3-4 साल की होल्डिंग एक जगह पे, आपकी इन 2-3 सालों की होल्डिंग एक जगह पे। तो इन 3 सालों के अंदर आपको जब ये मॉल ज़मीन से मज़ीद बाहर आते और कंप्लीशन की तरफ जाते नज़र आएंगे तो आपको आइडिया नहीं है कि आपके रेट्स, आपके प्लॉट्स की प्राइसेस कितनी बेहतर होंगी। बायर्स के लिए मेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन है, आपको कोई रीज़नेबल चीज़ G5 G6 के स्टार्टिंग एरिया में मिल जाती है, क्योंकि 3-4 के रेट्स आई हैं तो G5 G6 के स्टार्ट में मिल जाती है, या मतलब रेलवे लाइन से थोड़े रीज़नेबल डिस्टेंस पे मिल जाती है। रेलवे लाइन कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है और रेलवे लाइन का एक रीज़नेबल डिस्टेंस ज़रूर है वहाँ से, लेकिन एक चीज़ जो बन जाती है तो क्लाइंट्स भी नॉर्मली उसको कम देख रहे होते हैं। तो आपका बजट अगर बहुत कम है तो आप लास्ट के प्लॉट भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे लाइन वाले प्लॉट भी जो 34-35 पे 33 पे ट्रेड होते रहे हैं, इस वक्त वो 50-55 पे हैं। तो क्या वजह है कि वो इससे आगे नहीं जाएंगे जब ऊपर के ब्लॉक्स के रेट बढ़ेंगे। मज़ीद इस हवाले से आप हमारे एनालिसिस से, ये हमारे एक्सपीरियंस की बेस पे है, और इस एनालिसिस से आप एग्री या डिसएग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ताकि अगर किसी जगह पर हमारा एनालिसिस, हमारी फोरकास्ट गलत है तो हमारी भी सलाह हो सके। और अगर आपको लगता है कि ये एनालिसिस और फेज़ 4 के हवाले से हमारी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, 100% कन्फर्म प्रॉफिट वाली रिकमेंडेशन और हमारा जो फोरकास्ट है, हमारा जो एनालिसिस है, आप इसे अगर एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमें डायरेक्ट कॉल करके, व्हाट्सएप करके, थ्रू ईमेल्स अपना फीडबैक आप दे सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, और इसके अलावा कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़। CDB प्रॉपर्टीज़ की हमेशा कोशिश होती है कि आपको अपडेट रखा जाए आने वाली नई डील से। स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, किसी किस्म की कोई क्यूरी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, बाइंग, सेलिंग, होल्डिंग योर प्लॉट्स, आपको कोई मशवरा चाहिए हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।